उद्धव जी स्वर्गीय यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, केवल यहाँ इस पृथ्वी के नहीं, जो केवल कुछ कल पुर्जा कंप्यूटर आदि जाने इतना है, सारी विद्या जो भगवान के बारे में है, आत्मा के बारे में है, उसका ज्ञान नहीं रहता है। गए थे सबसे बड़े ज्ञानी के पास पढ़ने के लिए, और बुद्धि सत्तम, बुद्धिमान, बुद्धि के द्वारा ये सबसे बढ़े हुए थे। बुद्धि सत्तम का अर्थ है कि बुद्धि की दृष्टि से मतलब सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। भगवान ब्रज में ऐसे परम योग्य व्यक्ति को भेज रहे हैं, उद्धव जी को भेज रहे हैं। ऐसे उद्धव का अर्थ भी होता है उद्धव, उद्धव इसका अर्थ होता है मूर्तिमान उत्सव, मूर्तिमान आनंद उद्धव जी हैं। ये जब ब्रज में जाएंगे तो इनको देख करके ही लोग सुखी हो जाएंगे, यह भी भाव है। और फिर ऊपर से प्रवचन करेंगे, समझाएंगे, तब तो कहना ही क्या है। उद्धव जी सब तरह से परम योग्य व्यक्ति हैं, इस पहले श्लोक में यही बताया गया। तो क्वचित किसी समय में या किसी स्थान में जहाँ श्री कृष्ण को ब्रज की लीलाओं का स्मरण होने लगा और माँ यशोदा का, नंद महाराज का तथा गोपीजनों का, जो भगवान के विरह में झुलस रहे थे, बड़े दुखी थे, उनकी याद आई और भगवान उद्धव जी से मिले। एकांत में उद्धव जी का हाथ पकड़े, बराबर आसन पर बैठे थे उद्धव जी, भगवान उनका हाथ ऐसे पकड़े, हाथ पकड़े। यह बताने के लिए मैं बहुत गुप्त एक बात कह रहा हूँ मित्र, और इसको तुम पूरा करोगे, इसके लिए हाथ पकड़ रहे हैं। गृहीत्वा पाणी ना पाणी, हाथ पकड़ करके और बोले, क्योंकि भगवान है आरती हरह, प्रपन्न का अर्थ होता है शरणागत, जो भक्त भगवान की शरण में हैं उनके दुख का नाश करने वाले हैं। और ब्रज में भी दुख किस बात का है कि श्री कृष्ण साथ में नहीं है, यही आरती है। आरती मन दुख, और श्री कृष्ण दुख हरता है। प्रपन्न जनों के, शरणागत भक्तों के दुख हरता है, इसीलिए तो उनको हरि कहते हैं। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मान, किसी प्रकार का भी दुख श्री कृष्ण हर लेते हैं। प्रपन्न आरती हर हरि। तो एकांत में परम प्रिय उद्धव जी का हाथ पकड़ करके उनसे इस प्रकार बोले। उद्धव जी को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एकांतिनम, एकांतिनम एकांतिक भक्त। एकांतिक भक्त का की परिभाषा पद्म पुराण में दी गई है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से इतना प्रेम करता है कि उसे किसी देवता पर कभी कोई भरोसा नहीं होती है, किसी के सामने वो गिड़गिड़ाता नहीं है। कृष्ण में रत है तो उसको एकांतिक, एकांतिक भक्त कहते हैं, उसको एकांति कहा गया है। एक अंत, एकांत, बस श्री कृष्ण में ही जिसके गतिमति का अंत। तो ऐसे एकांतिक भक्त श्री उद्धव जी से एकांत में उनका हाथ पकड़ करके भगवान ने इस प्रकार कहा। बहुत महान प्रसंग है, श्री भगवान जो सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापक हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन वे स्वयं ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि अपने बदले अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री उद्धव जी को भेज रहे हैं। तो भेजने से पहले क्या क्या वे कहते हैं उद्धव जी से, सबसे पहले गच्छ शब्द लगाए भगवान,
गच्छ उद्धव, जाओ जाओ, ऐसे जाओ उद्धव, हे उद्धव जाओ, ऐसा ना कह करके जाओ हे उद्धव, इससे भगवान की विकलता प्रकट हो रही। वे ब्रजवासियों के विरह दुख का स्मरण करके व्यग्र हैं भगवान, इसलिए सबसे पहले क्रियापद का प्रयोग किए और गच्छ, गच्छ का अर्थ जाओ। कहाँ पर? ब्रजम, हे उद्धव ब्रज में जाओ, हे सौम्य। इसके द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि भगवान कह रहे हैं तुम चंद्रमा के समान शीतल हो, सोम के समान तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए भगवान सोम में संबोधन कर रहे हैं। निश्चित है तुम उनका दुख दूर करोगे, भगवान उनकी योग्यता को बोल रहे हैं, तुम चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले हो। जैसे चंद्रमा अपने परम मधुर या अमृतमय किरणों से दिन में तपाए हुए लोगों का ताप हर लेता है उगते ही, उसी तरह से तुम ब्रज में जाओगे तो हमारे माता पिता का और श्री गोपियों का दुख नष्ट हो जाएगा, इसलिए जाओ। पित्रो नव प्रीति माँ बह, हमारे माता पिता को प्रीति दो, उनको प्रसन्न करो, वे हमारे विरह में बहुत दुखी हैं, तो इसीलिए जा करके उनको सुख दो। प्रीतिम आवह, आ का अर्थ है सम्यक, वह का अर्थ है प्राप्य, प्राप्त, उनको प्राप्त कराओ। ऐसा या आवह का एक अर्थ है कि ऐसा ऐसी प्रसन्नता दो कि उद्धव तुम्हारे आने के बाद भी, मथुरा लौटने के बाद भी उनका उनकी प्रसन्नता जाए नहीं, अखंड गंगा की धारा की तरह उनको प्रसन्नता दो। आवह, ये प्रवाह चलता रहे प्रसन्नता का। इस समय जाओगे तो सुख दोगे ही, लेकिन इस तरह से उनको समझाना कि उनकी प्रसन्नता अखंड प्रवाहित रहे। नव पितृ कह रहे, नव का अर्थ यहाँ बहुवचन में, अस्माकम पितृ, हमारे माता पिता। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे माता पिता, हमारे माता पिता कह रहे हैं। इसका एक अर्थ है कि श्री कृष्ण अपने में गौरव बुद्धि कर रहे हैं कि मैं नंद बाबा का और माँ यशोदा का पुत्र हूँ, तो अपने प्रति भी गौरव हो रहा है। और एक भाव यह भी है कि जो हमारे माता पिता हैं, तो हे उद्धव तुम्हारे भी वे माता पिता ही हैं जो इस तरह विरह में दुखी हैं, अतः जा करके उनको सांत्वना दो, प्रसन्नता दो। गोपी नाम मत वियोगाधि मत संदेशर विमोचया, गोपियों के हृदय में जो दुख है मुझसे बिछुड़ने का, वह ऐसा लग गया है, ऐसा चिपक गया है वह दुख कि उस दुख को हटाना कठिन है, लेकिन तुम जाओ और उस दुख को विमोचया, उनसे अलग करो, उनके हृदय से निकाल दो, सुखी हो जाए, ये भाव है। ऐसे सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि मेरे माता पिता को जैसे तुम सुख दोगे, उस सुख देना तो गोपीजनों के लिए असंभव है, जब तक मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा उनको कोई सुख नहीं होगा, लेकिन दुख का थोड़ा थोड़ा समन करो, ये भगवान कह रहे हैं। वास्तविक सुख तो उनको तब मिलेगा जब वे मुझको देखेंगी, लेकिन उनके हृदय में जो दुख चिपक गया है, अर्थात वे जो सोच रही हैं कि कृष्ण हमको भूल गए या अब श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा, इस भावना को जा करके हटा दो। हृदय संलग्नम, हृदय में संलग्न दुख को जैसे जोंक की तरह पकड़ा हो कृष्ण, उसको हटा, विमोचय। सुख देने के भगवान नहीं बात कह रहे हैं, सुख तो उनको मिल ही नहीं पाएगा, सुख तो तब मिलेगा जब मैं उनके नेत्रों के सामने होऊंगा। और माता पिता को आश्वासन दो, उनको सुख दो, लेकिन गोपियों का दुख दूर करो। दुख दूर करना दूसरी बात है और सुख देना दूसरी बात है। माता पिता के लिए कह रहे हैं उनको सुख दो,
प्रीतिम आवह, परंतु श्री गोपियों का केवल दुख दूर करो। दृढ़ बंधनवत हृदय संलग्नम अपुनः स्पर्श तया त्याज, उनका जो दुख है हृदय में उसको जा करके दूर करो, और ऐसा दूर करो विमोचय विशेषण मोचय कि फिर वो दुख आकर के हृदय का स्पर्श न करे। इस तरह अलग करो दुख को, इसका क्या मतलब होगा? दुख को अलग करो, श्री गोपीजनों को क्या दुख है? दुख इसी बात का है कि श्री कृष्ण बहुत दुखी हैं, ऐसे जगह चले गए जहाँ वे और सुख पाने के लिए तरसते रहते होंगे, ब्रज का स्मरण करके वहाँ जा करके राजाओं के साथ रहना करना, तो श्री कृष्ण को कोई चैन नहीं होगा, श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। उनको सुख तब होगा जब ब्रज में आएंगे, गोपियाँ यही जानती थी, तो यही हृदय में दुख है। श्री कृष्ण को बहुत चिंता में रहनी पड़ती होगी, सुख कभी न सुख से सोते होंगे न खाते होंगे न पीते होंगे, ऐसा यही दुख था गोपियों के हृदय में। तो तुम जा करके उनके दुख को दूर करो, फिर गोपीजनों की विशेषता बता रहे हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैही कहा मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गतहा। तामन मनस्का, श्री गोपियाँ मन मनस्का, अर्थात इसके दो दो अर्थ हैं। श्री गोपीजनों का मन सदा मेरे पास रहता है, मन मनस का मुझ में ही लगा रहता है, या मेरा मन उनमें लगा रहता है, और मत प्राणा का भी यही अर्थ हुआ है, वे मत प्राणा हैं, मैं ही उनका प्राण हूँ। और मत प्राणा का एक अर्थ है वही मेरे प्राण हैं, गोपियाँ ही मेरे जीवन हैं, भगवान इस तरह से बोल रहे हैं मत प्राणा। श्री गोपियाँ ही मेरी प्राण हैं, तो इस तरह से भगवान के कहने का आशय है कि उद्धव जितना श्री गोपीजन दुखी हैं उतना ही मैं दुखी हूँ, बल्कि मुझसे दुख उनका ज़्यादा है, यही बात कहेंगे फाइनल में। तुम जाओ और उनको उनका दुख दूर करो। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने देह के समस्त भोग और संबंधियों को त्याग दिया, मदर्थे मेरे लिए। त्यक्त दैहिका, दैहिका का अर्थ देह से संबंधित, भोजन छोड़ दिया है, भोजन भी नहीं खा पाती हैं, पानी भी नहीं पी पाती हैं वे लोग। भोजन मन में खान पान देह की प्रथम आवश्यकता है, और दैहिका का अर्थ है कि पति संबंधी आदि सबका त्याग कर दिया है। ऐसे रहती थी घर में लेकिन सब कुछ छोड़ चुकी थी श्री गोपियाँ। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मा नम मनसा गता, मुझको ही वे अपना पति मानती हैं, यद्यपि उनका पाणी ग्रहण दूसरे के साथ हुआ है लेकिन कभी भी कोई भी संबंध उनके साथ नहीं हुआ, वास्तव में मन से मुझे ही अपना प्रियतम मानती हैं। मामेव दैतम प्रेष्ठम, मुझको ही अपना परम प्रिय पति मानती है। आत्मानं मनसा गता, यद्यपि मैं
परमात्मा हूँ, सबकी परम आत्मा हूँ। और परम का एक अर्थ है कि यदि मैं ऐसे देखा जाए तो पर हूँ, उनका पति नहीं हूँ लौकिक दृष्टि से, परंतु वास्तविक पति तो मैं ही हूँ सबका। भगवान ये कह रहे परम आत्मानम परमात्मानम, परम शब्द से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं उनके लिए पर हूँ लोक दृष्टि से, लेकिन वे हमको ही मुझको ही अपना पति मानती हैं। इतना घनिष्ठ प्रेम है भगवान का उनके प्रति, इस तरह से बोल रहे हैं मुझे ही अपना मानती हैं सब कुछ। और जब लोक धर्म छोड़ चुकी हैं, देह धर्म छोड़ चुकी हैं, तो कैसे जी रही हैं? यदि उद्धव जी ये बात पूछे तो भगवान कहते हैं ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे ताम विभार में, हम जो मेरे लिए लोक धर्म को छोड़ देता है कोई साधारण भक्त भी, तो मैं उसका पालन करता, मैं ही रक्षा कर रहा हूँ गोपियों की। यद्यपि वे खाती नहीं है पीती नहीं है, लेकिन मैं ही जिला रहा हूँ। मदर्थे ताम विभार में, मेरे लिए लोक धर्म को छोड़ देते हैं, देह के संबंध को छोड़ देते हैं सब कुछ, तो मैं उनका पालन करता हूँ। भक्त लोग यदि अपने घर का त्याग कर देते हैं और घर में उनकी पत्नी है बच्चे हैं, ये सोचते हैं क्या होगा, ये तो फिरंत हो गया, विरक्त होगा, वृंदावन भाग रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उनका पालन करता हूँ। विश्वास रखना चाहिए, जो कृष्ण के लिए छोड़ा है तो कृष्ण सबको रखते हैं ठीक से। कृष्ण घर में धन की भी कमी नहीं होने देते हैं। तन विभर्मी अहम, अहम लगा करके ये कह रहे हैं मैं भरण करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई प्रकारांतर से कराता हूँ, साक्षात मैं भरण करता हूँ। यदि मेरे लिए वो छोड़ा है तो नहीं, देह के आराम के लिए छोड़ा है ऐसे घुमक्कड़ बन गया है तो वो तो दूसरी बात, लेकिन कृष्ण के लिए वास्तव में छोड़ा है तो कृष्ण उन स्वजनों के सबका उनका भरण पोषण करते हैं, और इसका जो भक्त छोड़ा है उसका तो करेंगे ही। देखिए यही शब्द पता, ये त्यक्त लोक धर्मश्च मदर्थे तान विभार में, हम धर्मश्च तान विभार में, हम तान माने उनको विभर में भरण करता हूँ अहम मैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान करा देते हैं दूसरे से, कराने के लिए तो दुनिया के सबको करा रहे हैं, लेकिन भक्तों का पोषण और भक्त के परिवार का पोषण भी डायरेक्ट करते हैं विभर में अहम। तो जब सामान्य भक्तों की यह स्थिति है तब मेरे प्रियतम गोपीजनों का मैं भरण क्यों नहीं करूँगा। वास्तव में वे खा नहीं रहे पी नहीं रही हैं और पति आदि को छोड़ चुकी हैं, परिवार को छोड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी सारा संबंध मैं मेंटेन करता हूँ, भरण करता हूँ। ये भगवान के वचन हैं, इसीलिए भक्तों को पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि यदि हम कृष्ण के लिए कुछ त्यागते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोक परलोक से चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये देखा गया है संसार में, जो भगवान के भक्त होते हैं तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। भगवान ने नरसिंह मेहता के लिए क्या बन गए, संवरिया सेठ बने डायरेक्ट, जो जिसको भरण कहते हैं। भगवान स्वयं ही सेठ बन करके गए और नरसिंह मेहता का भात भरे, क्या क्या डायरेक्ट ये सब कथाएं हैं। एक भक्त जगन्नाथपुरी में रहते थे, एक दिन वो बड़े दुखी थे, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं मिलता था ऐसे, और भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे,
यह श्लोक गीता में पढ़े अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यह। इस श्लोक को जब पढ़े तो इसका अर्थ है कि जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। ये गीता बोलने वाले भगवान कह रहे हैं कि उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग मतलब जो चीज़ नहीं है उसको जुटाते हैं, और क्षेम का अर्थ है जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो जो नहीं है वो जुटाएंगे ही, और जो है उसको बचा लेते हैं, इसको योग क्षेम कहते हैं। तो उनके पास बहुत अभाव था, तो वे क्या कि एक दिन कलम लेकर के गीता के उस श्लोक को काट दिए काट दिए खूब खचखचे से। ये गलत है, भगवान का ये जो विचार है ये बिल्कुल गलत है, तो काट दिए। तो दूसरे दिन जब जगन्नाथ जी का श्रृंगार किया जा रहा था, तो पुजारी ने देखा कि भगवान के पीठ पर, गाल पर, जहाँ तहाँ छुरी जैसा कुछ काटा गया है। तो बड़ा उदास हुआ, बड़ी चिंता में पड़ा पुजारी कि ये क्या हो गया, ये कौन आकर के काटा है। तो चिंता करने लगे, फिर सो गए। तो ठाकुर जी सपना में कहे जगन्नाथ जी, वो जो ब्राह्मण है वो हमको काटा है, गीता हमारा देह है, गीता में और हम में कोई भेद नहीं है, लेकिन उसने काटा। गीता का एक श्लोक, तो गीता में और हम में भेद नहीं, इसलिए हमारे देह में सब चाकू का दाग हो गया, कटने का ऐसा ऐसा, बहुत बदमाशी किया है। तो पुजारी सुन करके तो आश्चर्यचकित हो गए, इतने बड़े भक्त हैं वे ब्राह्मण, तो वही हमको काटा है, उसको हम पर विश्वास नहीं है, गीता पर विश्वास नहीं है, ये हमारी दुर्गति है। तो फिर भगवान ने उस पुजारी के द्वारा राजा को ये बात बतलाया स्वप्न में ही, उस ब्राह्मण को जितना भोजन धन चाहिए दो, नहीं तो हमारे पीछे पड़ गया है, इस तरह से काट रहा है। तो ये सब घटना देख, ये सब बताई गई, तो राजा ने विश्वास किया और जा करके उस ब्राह्मण को पर्याप्त धन दिए, खाने पीने का सब कुछ का। ये बिल्कुल सत्य घटना है, गीता का श्लोक काटा गया तो भगवान का देह कटा था। भगवान डायरेक्ट भरण करते हैं। ऐसी कई लीलाएं हैं जब भगवान अपने भक्त का भरण करते हैं, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे भी बचाते हैं, लौकिक व्यवहार भी बचाते हैं, सब कुछ करते हैं, यदि कृष्ण के लिए छोड़ा है तो। इस सभी भक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं, तो गोपी जनों के लिए तो कहना ही नहीं। मईता प्रेषां प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रिय, मैं प्रेषां प्रेष्ठे श्री गोपियों के लिए, प्रेषां प्रेष्ठे जितनी भी प्रिय वस्तु हैं उनमें सबसे प्रिय मैं ही हूँ, गोपियों का परम प्रिय मैं हूँ, प्रेषां प्रेष्ठे। और इस समय मैं दुरस्थ हूँ, दुरस्थ मतलब ब्रज से दूर आ गया, मथुरा में आ गया, दुरस्थ। वे इस समय यही सोचती हैं कि हमारे प्रियतम दूर हो गए हैं, दूरस्थे, दूरस्थ, दूर चला आया। तो जो मेरे दर्शन करते समय आँखों का पलक गिरने पर भी ब्रह्मा को गाली देती रहती थी, सहन नहीं हो पाता था, और ऐसी गोपियों के लिए मैं दूर आ गया हूँ, दूरस्थ हो गया। और वे हैं गोकुल स्त्री, गोकुल की स्त्रियाँ, ब्रज की स्त्रियाँ। यह सोच सोच करके कि उनका परम प्रिय प्राण मैं दूर हो गया हूँ, तो सदा
मेरी ही लीलाओं का स्मरण करती रहती हैं, कभी मुझको भूल नहीं पाती हैं। मेरी विविध लीलाएं, मेरा चलना, बोलना, हंसना, मेरा बांसुरी बजाना और भी विशेष रासलीला आदि का स्मरण करती हैं। स्मरण करके बीच बीच में कभी कभी विमोह ही अंती मूर्छित होकर के गिर जाती है, विमोह में पड़ जाती है। 24 घंटे केवल मेरा ही स्मरण उनके हृदय पर छाया रहता है और बीच बीच में कभी मूर्छित होते हैं। जब मूर्छित हो जाते हैं तब लीला का स्मरण नहीं होता है, लेकिन मूर्छा तुरंत ही भंग होती है, फिर स्मरण करती हैं, फिर मूर्छित होती हैं, क्षण क्षण में मूर्छित होती हैं, स्मरण करती रहती हैं। बिरहोत कंठ बिहवला, बिरह अतिशय विजोग के कारण उनके हृदय में उत्कंठा रहती है कि कब हम प्रियतम श्याम सुंदर को देखेंगी, मिलेंगी, इसको उत्कंठा कहते हैं। विरह के कारण बहुत उत्कंठा बढ़ी है और उस उत्कंठा से उनकी जो भी गतिमति है सब शिथिल हो जाती है, बिह्वल हो जाती है। वला का अर्थ होता है गति, वो बिल्कुल शून्य पड़ी रहती हैं, कभी कभी चलना भी नहीं संभव हो जाता है, स्तंभित रहती हैं, कभी क्या कहना है तो क्या बोल जाती हैं। गोपियाँ चलती थी कभी कभी देह के स्वभाव से दही बेचने, तो वे कहती हैं कि अरे इस घर में कोई है गोपाल को लेगा, दही का नाम भूल जाती हैं, गोविंद को लेगा, कृष्ण को लेगा, ये करेगा वो करेगा, तुरंत फिर स्मरण आ जाता है मैं क्या बोल रही हूँ, तो फिर थोड़ा संभल करके बोलते हैं, लेकिन फिर वही, इसको बिह्वल कहते हैं, जो कातर। श्री कृष्ण को देखने की जो लालसा है, उनकी सेवा करने की जो लालसा है, इसको औत्कंठ उत्कंठा कहें, और उत्कंठा से वे बिह्वल रहती हैं। उद्धव जी ने कहा कि यदि इस प्रकार से विकल है तो जी कैसे रही हैं, कैसे जीवित रहती हैं। तब भगवान कहते धारयन ततिकृष्ण प्रायः प्राणन कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिका। उद्धव, हमारी गोपियाँ अतिकृष्ण अति कठिनाई से, कष्ट से, किसी प्रकार से प्राणों को धारण कर रही हैं, किसी तरह से जी रही है। भगवान ने ये तो कहा किसी तरह से जी रही है, कथंचन धारयन्ति प्राण, किसी तरह से प्राण धारण कर रही है। किस कारण से, किस तरह से धारण कर रही हैं, भगवान ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। आगे वो खोल करके कह देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि बड़े कष्ट से किसी तरह से जी रही है, कथंचन किसी कारण से जी रही है। तो भगवान शुरू में नहीं कह दिए कि मैं कहा था आने के लिए इसी से जी रही है, यही कारण था। भगवान ने कहा था कि मैं मथुरा से लौटूंगा, तो इसी कारण वे जी रही है। लेकिन शुरू में भगवान कहने में हिचक गए क्योंकि उनकी वाणी असत्य हो रही थी। अगर ये कह देते कि मैं कहा था आने के लिए इसी कारण से जी रही हैं, तो कहना ठीक नहीं, किसी तरह से जी रही हैं। भगवान ने बोले, लेकिन तुरंत उद्धव जी पूछने ही लगे होंगे कि आखिर क्या कारण है, किस तरह से जी रही हैं। तब भगवान कहे कि प्रत्यागमन संदेश है, मैं जो मथुरा से लौट करके ब्रज में आने की बात कहा था, प्रत्यागमन की बात कहा था, उसी से जी रही। तो उद्धव कह सकते थे ना, तब आप जब कहे थे जाने के लिए तो जाना चाहिए ना। लेकिन भगवान तो कह रहे मित्र देख ही रहे हो मैं किस तरह से मथुरा में फंसा हूँ। पहले तो माता देवकी और पिता वसुदेव जी एक सेकंड हमको छोड़ना नहीं चाहते, कौन भगवान को छोड़ना चाहेगा जो प्राणों के प्राण हैं।
ये इतना दिन दुखी थे, इनके बच्चे मारे गए, ये कारागृह में थे और मैं ही इनका सब कुछ हूँ, मुझे देखकर सुखी रहते हैं तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। नहीं, बेटा है तो बेटा इतना दिन दूर रहा, किसी का गाय चराया, कुछ किया, अब यहाँ घर पर रहो, क्यों जाओगे? अगर मैं जाने की चर्चा भी करूँगा तो जाने नहीं देंगे। फिर वही गाय चराने जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, कहेंगे ना, तो मैं निकल ही नहीं सकता यहाँ से। इसलिए तुम जाओ, गच्छ का यहाँ से सबसे संबंध है कि तुम जाओ और प्रत्यागमन संदेश है। मैं जो प्रत्यागमन का संदेश दे दिया उनको, इसलिए जी रही हैं और भगवान ये भी कह रहे हैं प्रत्यागमन संदेश है। तुम जा करके यह समझाओ कि मैं अवश्य आऊँगा, अवश्य आऊँगा, बस कुछ ही दिन की देरी है, तुम जा करके समझाओ। एक संदेश नहीं, संदेश की आवृत्ति करना, बहुत बहुत बार उसको कहना, अनेक प्रकार से बातें कहना और ये समझाना कि ये इस लीला में आप लोगों ने देखा कि आपसे भगवान कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, वो आएंगे ही आएंगे ही आएंगे ही, इस तरह से कह करके समझाना है। कई संदेश भगवान ने दिया, इसे सिद्ध होता है। मत संदेश ही बहुवचन में है, मेरे संदेशों के आवृत्ति से अनेक प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करना, उनका दुख दूर करना। और यदि मैं मित्र संदेश भी न भेजूं तो वे फिर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए तुम जाओ। भगवान अपने श्री हस्त से लिखा हुआ पत्र भी दिए, बहुत अच्छा तरह से उसको लपेटे थे और समझाए, बारंबार समझा रहे थे, यहाँ ये बात कहना, ये बात कहना, इस पे सब कई बात बता रहे थे, श्री राधा रानी से ये बात कहना, ललिता से और जसोदा जी से, नंद बाबा से, स्पेशल भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कोई कोई लीला ऐसी थी जिसकी याद करते थे कि माता ने हमको उस दिन इस तरह से खिलाया, ये किया, वो किया, जैसे पूरा समय बता रहे हैं और दिन बता रहे हैं, तो मैं उसको नहीं भूल सकता, मैं अब आना ही चाहता हूँ, आना ही चाहता हूँ। ऐसा यही भगवान का संदेश था कि बस अब दो चार रह गए हैं बैरी, जो वसुदेव जी और देवकी जी और जादुओं को दुख देते थे, तो सब तो मर ही गए हैं, दो चार बाकी हैं, उनको भी भगवान नारायण की कृपा से मार करके आऊँगा, भगवान ये संदेश देते थे। मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता ब्रज से, यही सब संदेश था। तो इस तरह से भगवान ने जब संदेश दिया तो उद्धव जी उसको लेकर के चले। भगवान और क्या कह रहे हैं इसको ब्रज भाषा में हम लोग गाएंगे। 18 से चालू होता है मंगलाचरण। अंतर जामी कुंवर कन्हाई, मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ, अंतर जामी कुंवर कन्हाई। कुंवर कन्हाई भगवान कृष्ण अंतर जामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। गुरुगृह पढ़त हुते जहाँ विद्या तहाँ ब्रजवासिन की सुधियाई। गुरुगृह में उज्जैन में पढ़ रहे थे तो वहीं पर उनको ब्रजवासियों की शुद्धि आई, और मथुरा में आए तब उद्धव जी को दूध बनाकर भेजे। गुरुसों कहो जोरी कर दो दक्षिणा कहो सो देऊ मंगाई। गुरु जी से हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा कि हे गुरु जी, आपने हमको पढ़ाया, मेरा बहुत उपकार किया, आपको जो इच्छा हो हमसे दक्षिणा मांगिए। गुरु पत्नी कहो पुत्र हमारे मृतक भयसो देहु जीवाई। गुरु पत्नी ने कहा कि
हमें पुत्र हुआ था लेकिन वो पुत्र मर गया, उसको जिला दो। जबकि सौ का भी पता नहीं है कहाँ गया। और ये भगवान से गुरु दक्षिणा मांगी जा रही है कि हमारा बेटा मर गया था, उसको जीवित कर दो। तो आनी दिए गुरुसुत जम्हपुर ते, तब गुरुदेव आशीष सुनाई। तो भगवान गए यमलोक में और उस पुत्र को लाए। जब पुत्र को दे दिए जिला करके, तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया भगवान को। सूरदास प्रभु आई मधुपुरी, उद्धव को ब्रज दियो पठाए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान इसके बाद मथुरा आए और मथुरा में श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजे। भगवान कह रहे हैं ब्रज के सुख की भी याद आ रही है और ब्रजवासियों के विरह दुख की भी याद आ रही है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार। गाइए चित